अब उसके इजहार के लिए जज्बात के इजहार के लिए याद रखिएगा कि इमोशनल इंटेंसिटी को सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक गुस्से की कैफियत बतानी है तो गुस्सा इन टर्म्स ऑफ एंगर इन टर्म्स ऑफ एनॉयड इन टर्म्स ऑफ बींग ये तीन मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं और ये तीनों एक्सप्रेशन डिफरेंट इंटेंसिटी वो शो कर रहे हैं हो सकता है कि उस सिचुएशन में यू आर ओनली एनॉयड आप सिर्फ तंग हो रहे हो लेकिन उस तंग होने को आप गुस्से का नाम वो शायद नहीं दे सकते लाइकवाइज इसी तरह एंग्री में ग्रंपी होना मॉनफुल होना गिल्ट फील करना डिसमेड होना ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी कि किस इंटेंसिटी के साथ प्रिवेल वो कर रही हैं एनदर एक्सप्रेशन रिमेंबर इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये सब गेम ऑफ सिननम्स सिर्फ नहीं है हर लफ्स अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया वो छुपाए हुए है उसका मायनी बहुत असर रखता है सो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम जो भी एक्सप्रेशन लेकर आ रहे हैं वो एक्सप्रेशन क्या हमारी इंटेंसिटी को सही तौर इजहार में ला रहा है कि नहीं ला रहा है इसी तरह हर लफ्स उसका एक इम्पैक्ट है उसका एक असर है उसका कुछ ताल्लुक है आपके रिलेशनशिप के साथ बाज अल्फाज आप बाज रिलेशनशिप्स में यूज वो नहीं कर सकते यू हैव टू बी केयरफुल आप And you have to be watchful obviously आप किन अल्फाज को किन लोगों के साथ यूज वो कर रहे हो इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी शामिल है इसमें एज डिफरेंस भी आ सकती है इसमें जेंडर आ सकते हैं है। so कल्चरल आप अपने किसी भी इजहार को किस तौर बयान वो कर रहे हो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने जज्बात की रेटिंग करें सपोजेटली फ्रॉम वन टू टेन और देखें कि आपका कोई भी जज्बा उसके लिए जो भी लफ्ज आपको मिल रहा है उस लफ्ज की भी इंटेंसिटी वो किस कदर है आउट ऑफ वन टू टेन मीन लेसर एंड द वुड मीन मोस्ट इंटेंस सो हाउ डीपली आर यू फीलिंग द इमोशन क्या बहुत शिद्दत आ, आपको उस जज्बे के साथ वाबस्ता है कि आप सिर्फ उसको नॉमिनल ग्राउंड्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो फील कर रहे हो बड़ा सताई सा एक तासुर आप कैरी वो कर रहे हो सेकेंडली हाउ अर्जेंट इज इट और हाउ स्ट्रॉन्ग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को एकदम से इजहार में लेकर आना कि ये सिर्फ एक कैजुअल फीलिंग है और वक्त के साथ ये जज्बा आपका खत्म भी हो सकता है सो आप ये डिपेंड करेगा उसकी अर्जेंसी के ऊपर कि क्या उस जज्बे का इजहार एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ जरूरी है या जरूरी नहीं है सो सिचुएशन टू सिचुएशन पर्सन टू पर्सन आपको अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज वो करना होगा एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू चूज सेट ऑफ और नॉट को अपने उस ताल्लुक के मुताबिक जब आप 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 बयान कर कर रहे हो तो आप क्या कोई और अल्फाज भी यूज़ कर सकते थे? Because जो इंटेंसिटी शो करोगे अगले का रद्द अमल वैसा ही हो सकता है एज इट इज से रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो आपका बोला हुआ लफ्ज़ इज द एक्शन और उसके रद्द अमल के तौर पर दूसरा शख्स रिएक्ट करेगा आपको केयरफुल रहना है कि आपके अल्फाज क्या थे आप माइनिंग क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कॉन्टेक्स्ट क्या है सिचुएशन क्या है हालात और वाकयात कैसे हैं अर्जेंसी कितनी है ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं जानना डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जज्बात और एहसास बयान करने जरूरी हैं लेकिन अल्फाज का सही चुनाव बहुत जरूरी है और उन अल्फाज में कोशिश करें कि आप अपनी इंटेंसिटी ऑफ दैट इमोशन को भी बुरुएक ला सकें मद्देनजर रख सकें अदरवाइज कम्युनिकेशन का सारा परस्पेक्टिव आपका फेल भी हो सकता है